प्रवीण जी जी साहब जी सुनो वो मेरा बीबी ने खाना खाया बीबी जी कह रही है उन्हें भूख नहीं है वो खाना नहीं खाएंगी अच्छा खाना नहीं खाएगी अच्छा मैं वो जाके पूछता जी मेरा तुमने खाने के लिए क्यों मना कर दिया चलो हाँ मेरे साथ लंच करो मुझे भूख नहीं है देखो मीरा तुम प्लीज इतनी मायूस मत हो मैं किसी और गायनेकोलॉजिस्ट से सेकंड ओपिनियन ले लेता हूं लेकिन देखो टू बी ऑनेस्ट मुझे अभी बेबी नहीं चाहिए लेकिन मुझे तो चाहिए ना तुम मुझे यहाँ अकेला छोड़ के सारा सारा दिन अपने घर पे अपनी बेटे के साथ अपनी बीवी के साथ एंजॉय करते हो अपनी फैमिली के साथ बिल्कुल नॉर्मल लाइफ गुजार रहे हो मैं यहाँ तुम्हारा इंतजार करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकती व्हाट एम आई सपोज टू डू तो तुम क्या कह रही हो समीर तुम्हें पता है मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ तुम्हें मेरी बिल्कुल परवाह नहीं है मुझे हमेशा यहाँ अकेला छोड़ के चले जाते हो क्योंकि मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है तुम बताओ तुम करना क्या चाह रही हो मैं ये अधूरी घिसी पिटी जिंदगी नहीं गुजारना चाहती मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ तुम्हारे पास तुम्हारे घर में हमारे घर में तुम चुप क्यों हो गए जवाब दो मुझे देखो मीरा जो बात तुम कर रही हो ना वो पॉसिबल नहीं है फर्ज करो मैं तुम्हें उस घर में ले भी जाता हूं तुम वहां एडजस्ट नहीं कर पाओगी मैं जानती थी कि तुम्हारा यही जवाब होगा तुम्हें मेरी परवाह ही कहां है मीरा प्लीज फॉर गॉड सेक जो चीज नहीं हो सकती उसके लिए मुझे प्रेशराइज मत करो मुझे नहीं पता समीर अगर तुम मुझे वहां नहीं लेके जा सकते तो बता दो मैं यहां से भी चली जाऊंगी सोचा कहाँ जाना हनीमून के बारे में फिलहाल तो मैंने कुछ नहीं सोचा मैं सोच रही थी पहले एक दफा हमारा नया वाला प्रोजेक्ट ऑफिस में खत्म हो जाए उसके बाद ही कुछ सोचेंगे यह भी ठीक है बट यू नो व्हाट मैं तुम्हारे साथ पूरी दुनिया देखना चाहता हूँ अच्छा तो ये बताओ कि कहाँ जाना पसंद करोगे कहीं भी जो तुम्हें पसंद हो अरसल बेटा जल्दी से नाश्ता फिनिश करो आप स्कूल से लेट हो जाओगे मम्मा बाबा कब आएंगे मुझे उनकी याद आ रही है मुझे उनसे बात करनी है आप बाबा को फोन करें ना कि वो मेरे पास आ जाए अरसल बेटा पापा जल्दी आ जाएंगे आप जल्दी से अपना नाश्ता फिनिश करो फिर आपके स्कूल की बहन भी तो आने वाली है ओके मम्मा गुड बाय समीर हम कहाँ जा रहे हैं मेरे घर व्हाट आज से तुम मेरे साथ मेरे घर पर रहोगे ओह माय गॉड आर यू सीरियस तुम्हारे घर हाँ आई डोंट बिलीव दिस
Thank you so much, Sameer. I love you so much. This is the best news. मुझे तो यकीन नहीं आ रहा. मैं बहुत खुश हूँ. अब मैं तुम्हें खुश देख के बहुत खुश हूँ. I don't believe this. चलो, आपने लंच फिनिश करना है और पानी भी ज्यादा पीना है, ठीक है? आजकल आप पानी बहुत कम पी रहे हो. ओके मम्मा. हेलो बेटा. बाबा, ये आंटी कौन है? बेटा, ये मेरी फ्रेंड है और आज से ये हमारे साथ ही रहेंगी और फिर ये आपकी भी फ्रेंड बन जाएंगी. नो पापा, ये आपकी फ्रेंड नहीं है. आपकी फ्रेंड सिर्फ मम्मा है. ये हमारे साथ नहीं रहेंगी. सर बेटा देखो, ये आपकी गेस्ट है और आपको पता है कि गेस्ट के साथ रेस्पेक्ट से बात करते हैं. मगर पापा, मम्मा कहती हैं कि स्ट्रेंजर लोगों से बात नहीं करनी चाहिए. बेटा स्ट्रेंजर थोड़ी है. अभी तो मैंने बताया आपको, इनका नाम मीरब है, भाई इनका नाम अरसल है. सो यू गाइस आर नॉट स्ट्रेंजर्स एनीमोर. नो पापा, ये मेरी आंटी नहीं है. अरसल, अरसल बेटा बात तो सुनो. सारे चलो उठो, जाके फ्रेश हो जाओ और ऑफिस के लिए तैयार हो. तुम्हारे कपड़े निकाल दो. अरे भाई, मुझे ऑफिस नहीं जाना है. मैं सुना नहीं था ताजा ने क्या कहा था कि ऑफिस से छुट्टियां ले लो, कहीं बाहर चले जाओ, घूम फिर लो, कहीं बाहर चलो. कोई जरूरत नहीं है. जितनी छुट्टियां करनी थी उतनी हमने कर ली. अब उठो, तैयार हो जाओ और नीचे नाश्ते के लिए फजीलत बीबी बुला रही है. अरे यार, तुम शादी के बाद बीवियों जैसा रिएक्ट क्यों कर रही हो यार? इससे बेहतर तो मेरी दोस्त ही तुम. अच्छा जल्दी से उठो ना, ठंडा पानी डाल दूंगी. अच्छा ठीक है, जाता हूँ, मगर एक वादा करूँ. कैसा वादा? रात को खाना बाहर खाएंगे. ठीक है वादा, चलो. अरे उठो. अरे यार, यू डोंट वरी मारिया, आई एम श्योर इस साल भी तमाम बड़ी कंपनी के एड तुम्हें ही मिलेंगे. तुम्हारा काम मार्केट में बहुत पसंद किया जा रहा है. हाँ ना, लेकिन शुभी मुझे फिल्म करनी है. मैं मूवी करने में इंटरेस्टेड हूँ. फिल्म, फिल्म भी मिल जाएगी डियर. तुम बस नवीन शेख से दोस्ती कर लो. वो आजकल अपनी नई मूवी के लिए फ्रेश फेस की तलाश में और ऑडिशन भी चल रहे हैं उसके प्रोडक्शन हाउस में. रियली? प्लीज शिपी, प्लीज 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 मेरी नवीद से एक दफा मीटिंग करवा दो. बाकी सब कुछ मैं खुद संभालूंगी, मसला ही नहीं है कोई. आई नो बेबी, तुम बहुत इंटेलिजेंट हो. मैं बात करता हूँ नवीद से तुम्हारे लिए. रियली? That's why Shobhi, you're my only best friend. लो ना पियो, खत्म करो अपना जूस. I'm actually really, really sorry. पता है अरसल बड़ा वेल बिहेव बच्चा है, धनी थोड़ा ओवर रिएक्ट कर गया. आई एम रियली सॉरी यार. लेकिन देखो तुम परेशान ना हो. बच्चे प्यार की जबान जानते हैं. तुम उसे प्यार से ट्रीट करोगी, आई एम 110% श्योर वो तुम्हें एक्सेप्ट कर लेगा. यू थिंक सो? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर आपको किस बात पे एतराज है. मेरे कॉलीग्स हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, वो मुझसे मिलने आते हैं. अब मैं क्या करूं? मैं उन्हें बोलूं नहीं आए मुझसे मिलने के लिए? क्या ये मेरा घर नहीं है? हाँ, यही तो तुम्हें समझाना चाह रही हूँ कि तुम्हारा भी घर है. इसको घर ही रहने दो, स्टूडियो मत बनाओ. और रोज आना इस तरह से गैर मर्दों का आना जाना क्या अच्छी बात है? आंटी आप प्लीज इतनी छोटी छोटी बातों का इतना बड़ा इशू मत बनाइए. अच्छा
वो मेरे फ्रेंड्स हैं, मुझसे काम के लिए मिलने आते हैं, मैं उनको मना नहीं कर सकती कि वो मुझसे मिलने ना आए, ठीक है? और वैसे भी ये मेरे प्रोफेशन का एक हिस्सा है, तो बेहतर यही होगा कि आप प्लीज मेरे पर्सनल मैटर्स में इंटरफेयर मत करें, ठीक है? अंडरस्टैंड दैट। तुम्हें पता है माँ, मुझे बीच पे वॉक करना बहुत पसंद है। चलोगी मेरे साथ? जरूर चलूंगी, क्योंकि मुझे तुम्हारा साथ अच्छा लगता है। और मुझे तुम्हारा, जानती हो ना मैंने तुम्हें खो कर पाया। तुम्हारे साथ गुजारा गया हर वक्त मेरे लिए बहुत कीमती है। लव यू। मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा कि तुमने क्या सोचकर उससे शादी की। उस लड़की ने इस घर को भी एक मॉडलिंग एजेंसी बना दिया है, स्टूडियो बना के रखा हुआ है, हर रोज एक नया आदमी आ जाता है, उससे हंस हंस कर बातें कर रही होती है वो। तो क्या हुआ, बुराई क्या है इसमें भाई? इसका प्रोफेशन है, ये काम है उसका, लोगों से मेल जोल उसको रखनी पड़ती है। और मामा वो एक सेलिब्रिटी है, स्टार है, एक्ट्रेस है बहुत जबरदस्त, लोग उससे मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। ये तो बड़ी अच्छी बात है, मैं तो बहुत फखर महसूस करता हूँ उसमें। यही तुम्हें समझाना चाह रही हूँ कि वो तुम्हारी बीवी है, इस घर का हिस्सा है, ये घर है उसका, उसको घर की जिम्मेदारियां समझाओ, वरना वरना क्या। देखिए प्लीज आप उससे इस तरह की कोई बात मत कीजिएगा, आपने जो मुझसे कहा है ना मैं बिल्कुल समझ गया हूं। हमें पता है हमें क्या करना है क्या नहीं करना, आप हमारे मामलात में मुदाखलत ना करें प्लीज, बड़ा शुक्रिया आपका। लावजे में आप उसको कुछ बोलेंगी, उसको मनाना एक मुसीबत हो जाएगा मेरे लिए। शाबाश बेटा, बहुत अच्छा किया जो तुमने अपनी माँ को उसकी हैसियत याद दिलवा दी। मुझे कोई जरूरत नहीं कि मैं तुम्हारी बातों में मदाखलत करूं, लेकिन मेरी बात भी याद रखना, मारिया जैसी लड़कियां जो सिर्फ तितली बनकर उड़ना चाहती हैं, वो कभी किसी का घर आबाद नहीं करती। क्या बात है, तुम्हारा मूड कुछ खराब लग रहा है मुझे। देखो खाकर, मैं इस तरह के टेंस माहौल में रहने की बिल्कुल आदी नहीं, तो बेहतर यही रहेगा कि आप अपनी मम्मी को समझा दें कि वो मेरे पर्सनल मैटर्स में बिल्कुल इंटरफेयर ना किया करें। तुमसे उन्होंने कुछ कहा है क्या? उनको मेरे फ्रेंड्स और मेरे कॉलीग्स का मुझसे मिलने घर आने पर एतराज है, आज तो उन्होंने हद ही कर दी। देखो खबर, तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं दूसरों के पर्सनल मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करती हूं, तो आप अपनी मम्मी को समझा दीजिए कि वो मेरे पर्सनल मैटर्स के अंदर इंटरफेयर करना छोड़ दें, क्योंकि मैं ये सब बर्दाश्त नहीं करने वाली, ठीक है? डार्लिंग, रिलैक्स, रिलैक्स। देखो, तुम मिलाओ जब बहुत परेशान हो रही हो, मैं उनको समझा दूँ। हाँ, उन्हें समझा दो कि मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेंगी वो, वरना मैं खुद कुछ करूँगी, सही है? क्योंकि मैं अपनी लाइफ में रिलैक्सेशन चाहती हूँ और प्राइवेसी चाहती हूँ, मुझे ये सब टेंशन नहीं चाहिए। आई एम नॉट यूज टू दिस। नाश्ता नहीं करोगी?
नहीं मुझे नहीं करना। क्यों? ऐसा क्या हो गया मीरा? क्यों? क्या तुम भूल गए हो कि कल अरसल ने मुझसे कितनी बदतमीजी की थी? He doesn't like me. I don't want to go there again. मीरा, I'm so sorry. अरसल बच्चा है, तुम तो मैश्योर हो ना? चलो जाने दो, छोड़ो, हो जाएंगी सब चीजें ठीक। तो तुम्हारे ये कहने का मतलब है कि मुझे सब बर्दाश्त करना पड़ेगा? मीरा देखो, मैंने इसीलिए तुम्हें शुरू में मना किया था घर आने से, अभी तो तुम्हारी चॉइस है ना। बहुत छोटा है, मैं समझाता हूं उसे, लेकिन तुम तो चीजों को अंडरस्टैंड करो। अच्छा चलो गुस्सा छोड़ो, हाँ नाश्ता कर लो आके। समीर, तुम्हें उस लड़की को यहाँ नहीं लाना चाहिए था। अरसल डिस्टर्ब हो रहा है उसकी वजह से। नहीं, मेरा पर्सनल घर है, मैं उसे खुद समझा लूंगा, तुम परेशान मत हो। क्या समझाओगे तुम अरसल को? क्या कहोगे तुम उससे? क्या ताल्लुक है तुम्हारा उस लड़की से? फॉर गॉड्स सेक समीर, अरसल अभी बहुत छोटा है, तुम्हारे और मीरब के रिश्ते को नहीं समझ सकता। वो वैसे भी बच्चे बहुत मासूम होते हैं, वो इतनी जल्दी किसी अजनबी से मानूस नहीं हो जाते। मैंने तुमसे कहा ना, मैं उसे खुद समझा लूंगा। तुम अपने आप को इस मामले से दूर रखो। समीर, ये सिर्फ तुम्हारा मामला नहीं है, अरसल भी इस मामले से अफेक्ट हो रहा है। अगर वो इस घर में रहेगी तो आज नहीं तो कल उसे तुम्हारे रिश्ते के बारे में पता चल जाएगा, और उसके बाद वो तुमसे सिर्फ नफरत करेगा।